आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के बनकट पुल के पास सुबह 10 बजे करीब दो बसों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें करीब 40 लोग जख्मी, 3 की गंभीर हालत बताई जा रही। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मौके पर कई एम्बुलेंस व पुलिस फोर्स भेजा गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मंडली अस्पताल लाया गया, जहाँ बताया जाता है आजमगढ़ से रोडवेज बस गोरखपुर जा रही थी, तभी दूसरी तरफ से प्राइवेट बस आजमगढ़ की तरफ आ रही। दोनों बस की रफ्तार काफी तेज थी। दोनों बसों के चालक वहां पर अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिससे यह हादसा होता है। घटना के संबंध में डीएम विशाल भारद्वाज का कहना है, जौनपुर डिपो की बस और प्राइवेट बस में टक्कर हुई, कोई कैजुअल्टी नहीं, 3 की हालत गंभीर, जिनको मंडली अस्पताल में रेफर किया गया। मंडली अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज में भी बेड की व्यवस्था की गई। घटना की सूचना के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बना दी गई है। इनसे पहले भी अलर्ट कर दिया गया था कि सब कुछ ठीक है, राहत कार्य संपन्न कराने के बाद जो भी अनुमति चाहता है वो पीड़ितों को दी जाएगी।